नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम कुछ बातें करते हैं चाय पे। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई है? वैसे देखा जाए तो अगर एक आम आदमी को पता नहीं है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई है। वो सिर्फ एक पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं और अपने अपना सेहत अच्छा रखते हैं। चलो दोस्तों, बताते हैं आज हम चाय के बारे में। इस चाय की शुरुआत करीबन 2700 ईसा पूर्व पहले की बात है। एक चीनी राजा जो पेड़ के नीचे बैठा गर्म पानी पी रहा था, उस टाइम उस पेड़ से गिरी एक पत्ती उस पानी में गिर जाती है और उस टाइम उस पानी में से कुछ महक और उसका रंग जो है कुछ अलग ही होता है, जो उस राजा को बहुत ही पसंद आया और वहाँ से इस चाय की शुरुआत हुई है। उसके बाद में उस चाय ने अपने अनेक प्रकार के रूप ले लिए हैं। जहाँ भी गई है वहाँ अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपने यानी मिक्स किया, कुछ मिलाया है और वहाँ पे चाय का अपने हिसाब से आनंद उठाया है। आज दोस्तों हम बात करते हैं कश्मीरी कहवा, जो कि जरखंडी कंपनी के अंदर कश्मीरी कहवा नाम की जो टी है उस पर चर्चा करते हैं। ये टी जो है कश्मीर, जब ये चाय कश्मीर में गई तो उन कश्मीर वालों ने अपने मौसम और अपने राज्य के हिसाब से उसके अंदर कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट मिलाए हैं जो कि इस चाय का प्रचलन और उस चाय की जो स्वादिष्ट है वो कुछ काफ़ी अलग आया है। और इसमें है दोस्तों, उन्होंने जो मिलाया है इसके अंदर इलायची हुई, दालचीनी हुई, अखरोट या कुछ ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिलाकर इसको तैयार किया है। ये सबसे ज़्यादा इसको पहले दोस्तों हम बनाते हैं, तब तक इसके बारे में बाद में बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। इसमें दोस्तों एक चम्मच के अंदर हम 2 कप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच डाली है। और इसमें चीनी जो है अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। चलो दोस्तों, ये चाय बनती है तब तक हम इसके बेनिफिट बताते हैं। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट है इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखती है, क्योंकि इसके अंदर अखरोट और बादाम ऐसे मिले होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है एंटीऑक्सीडेंट ऐसे संक्रमण की बीमारी जो होती है शरीर के अंदर वो भी इस ये ठीक करने में बहुत ही सहायता करती है। इसके बाद है वज़न को कम करती है। हमारे शरीर के अंदर वज़न बढ़ा हुआ होता है या उसका फैट बढ़ा होता है, तो ये इसमें ऐसे अत्यधिक मात्रा में गुण होते हैं जो कि उस वसा को जलाती है, जिस कारण जो बढ़ा हुआ फैट है या वज़न है वो कम हो जाता है। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो है तनाव को दूर करती है। आज के समय में जो बदलते तौर के अंदर जो स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि दिमाग को कुछ ऐसा अलग से महसूस होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं है, तो ये ऐसी टी है दोस्तों कि इससे पीने से तनाव को दूर करती है और मन को थोड़ा संतुष्टि से आराम दिलाती है। नंबर 3 है पाचन तंत्र को ठीक करती है। ये पाचन तंत्र कहवा टी ये पीने से खाने पीने में के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर पचता है वो पचाने में भी बहुत मदद करती है। नंबर 4 है इसको त्वचा को स्वस्थ रखती है, त्वचा यानी स्किन को। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में नमी प्रदान करते हैं, जिस कारण त्वचा रुखी हुई नहीं दिखती, वो बिल्कुल ही क्लियर और सही मुलायम हो जाती है। चलो दोस्तों, हमारी टी है जो तैयार हो चुकी है, अब हम इसका टेस्ट करते हैं कैसा है। ये दोस्तों कश्मीरी कहवा, इसका कलर आप देख रहे हैं, आप अपने स्वादानुसार यदि आप कड़क पीना चाहते हैं थोड़ी और बढ़ा सकते हैं इसकी मात्रा, जैसा आप मीठा लेना चाहते हैं वैसी आप इसकी मात्रा में इसका वैसा ही स्वाद आप कर सकते हैं। वैसे बहुत बढ़िया दोस्तों, इसको पीने में भी बहुत आनंद आता है। तब तक एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जरखंडी कंपनी ने एक अनेक अपने
मार्केट के अंदर 24 प्रकार 24 फ्लेवर के रूप में ये टी उतारी है मार्केट के अंदर, और उनका आप एक एक करके अलग अलग उनका आनंद लीजिए और उनके अपने सेहत को ठीक बनाए रखिए। तब तक हम नेक्स्ट टी के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक आप इन कश्मीरी कहवा का आनंद लीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाइए। धन्यवाद।